अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 13.1.3। हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स को हम ऐड करें, उसका सम लें, तो वो साइड जो है थर्ड साइड से ग्रेटर होगा वो सम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ट्राइंगल की हम इन दो साइड्स को ऐड करें तो वो थर्ड साइड अगर ये है तो उससे ग्रेटर होगा। तो हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी, गिवन ट्राइंगल ए बी सी। प्रूव हमने ये करना है मेजर ए बी प्लस मेजर ए सी इज ग्रेटर देन मेजर बी सी, कि अगर ए बी और ए सी को ऐड करेंगे तो वो बी सी से ग्रेटर होगा, या अगर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो वो ए सी से ग्रेटर होगा, या अगर बी सी और सी ए को ऐड करेंगे तो वो ए बी से ग्रेटर होगा। हमने सारी कंडीशंस प्रूव करनी है कि किसी भी हम दो साइड्स को ऐड कर लें वो एक थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगी। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए, सी ए पे पॉइंट डी ले लेंगे हम, यहाँ पे डी पॉइंट ले लेंगे, सच दैट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। इस तरह से लेंगे कि ए डी और ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। ए बी की लेंथ आप मेजर कर लेंगे, फिर आप सी ए से उतना आगे डी पॉइंट बनाएंगे कि ए डी और ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। जॉइन बी टू डी एंड नेम द एंगल्स, जॉइन बी टू डी एंड नेम द एंगल्स, एंगल वन एंगल टू एज शोन इन द फिगर। बी को डी से जॉइन करेंगे और एंगल वन और एंगल टू नाम दे देंगे। स्टेटमेंट्स देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी को देखेंगे, इसमें हम कहते हैं एंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टू। एंगल वन और एंगल टू आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ए डी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है। ए बी पे एंगल वन है और ए डी पे एंगल टू है। ए डी और ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी के एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टू, इसको वन का नाम दे देंगे, और इसकी रीजन है ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात की थी। फिर हम कहते हैं एंगल डी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल वन। ये जो एंगल बी है डी बी सी, ये टोटल एंगल एंगल वन से ग्रेटर है क्योंकि एंगल वन तो सिर्फ ए बी डी वाली एंगल है, जबकि इसके अंदर डी बी सी के अंदर थोड़ा और पार्ट भी ऐड होगा, इसलिए एंगल वन से ग्रेटर है एंगल डी बी सी। इसको हम टू का नाम दे देंगे और इसकी रीजन ये लिखेंगे क्योंकि एंगल डी बी सी है एंगल वन प्लस एंगल ए बी सी। अगर हम एंगल वन के अंदर एंगल ए बी सी ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल डी बी सी आएगी। फिर हम कहते हैं एंगल डी बी सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल टू। इसको हम थ्री का नाम दे देंगे फ्रॉम वन एंड टू। वन में हमने कहा वन एंगल और टू एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर डी बी सी वन से ग्रेटर है इसका मतलब है वो टू से भी ग्रेटर होगी। इसकी रीजन फ्रॉम वन एंड टू है। अब हम इन ट्राइंगल डी बी सी को देखते हैं। पहले हमने ए बी डी को देखा था, अब डी बी सी को देखते हैं। डी बी सी में हम कहते हैं मेजर सी डी इज ग्रेटर देन मेजर बी सी, कि ये सी डी साइड जो है बी सी साइड से ग्रेटर है बाय थ्री। थ्री में हमने कहा कि डी बी सी ग्रेटर है टू से, और ग्रेटर एंगल हैज एन ऑपोजिट, ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, जो ग्रेटर एंगल होगी उसकी ऑपोजिट साइड है वो ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे डी बी सी ग्रेटर है, तो अगर डी बी सी ग्रेटर है और एंगल टू छोटी है तो एंगल टू के ऑपोजिट साइड है बी सी, यानी बी सी छोटा होगा, और डी बी सी के ऑपोजिट साइड है सी डी, तो सी डी साइड इज ग्रेटर देन बी सी। इसको बाय थ्री हमने लिखा। नाउ डैट इज साइड ए डी प्लस साइड ए सी इज ग्रेटर देन साइड बी सी। इसका मतलब है अगर हम ए डी और ए सी को प्लस करेंगे तो ये ग्रेटर होगा बी सी से। वो इसलिए क्योंकि ए डी और ए सी को ऐड करने से हमारे पास सी डी आता है। सी डी को सिंपली हमने ए डी प्लस ए सी लिख दिया, ग्रेटर देन बी सी वैसे ही आ गया। रीजन इसकी ये है क्योंकि सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी। हैंस मेजर ए बी प्लस मेजर ए सी इज ग्रेटर देन मेजर बी सी। ये हमने स्टेटमेंट प्रूव कर दी यहाँ पे। और मेजर ए डी इज इक्वल टू मेजर ए बी, मेजर ए डी इज इक्वल टू मेजर ए बी। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने ए डी को ए बी लिख दिया क्योंकि ए डी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो इसलिए हम ए डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव क्या करना था, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। हमने ये प्रूव कर लिया कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो हम कहते हैं सिमिलरली दूसरा पॉइंट भी हम प्रूव कर सकते हैं, एंड ये हम बाकी दो पॉइंट्स भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव सिर्फ एक करके दिखाना है।